नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। माँ गंगा के प्राकट्य का उत्सव, जिसे पुराणों में गंगा सप्तमी के नाम से बताया गया है। माँ गंगा पतित पावनी है, वो मोक्षदायिनी है। गंगा का जितना धार्मिक महत्व है, उतना ही वैज्ञानिक महत्व भी है। दैवीय और प्राकृतिक गुणों से भरपूर गंगा का जल अति पावन और शुद्ध है। गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति और मोक्ष के मार्ग खुल जाते हैं। आज गंगा सप्तमी है, जिसमें माँ गंगा का पूजन अखंड पुण्य दिलवाता है। मान्यता है कि गंगा सप्तमी पर गंगा स्नान और गंगा पूजन व्यक्ति के मोक्ष का कारक भी बनता है। महादेव के जटाओं में है जिनका वास, जिनके दर्शन से कट जाते हैं सारे पाप। मोक्षदायिनी, पतित पावनी, जीवनदायिनी माँ गंगा। गंगोत्री से गंगा सागर तक के सफर में गंगा शहरों को छूकर उसे तीर्थ बना देती है। माँ गंगा की इसी चमत्कारी शक्ति के बारे में शास्त्र में लिखा है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को माँ गंगा शिव की जटाओं में अवतरित हुई, इसीलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी का व्रत पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने माता गंगा के प्रवाह के वेग को कम करने के लिए अपनी जटाओं में धारण किया था। गंगा सप्तमी एक प्रकार से गंगा मैया के पुनर्जन्म का दिन है, और इसीलिए इस तिथि को गंगा जन्मोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। क्या है गंगा सप्तमी की महिमा? शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को माँ गंगा का अवतरण हुआ था। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस तिथि पर गंगा स्नान, तप, ध्यान तथा दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा मंदिर, गंगा नदी और अन्य मंदिरों पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। स्नान के जल में एक चम्मच गंगा जल मिलाकर स्नान करने से रोगों से भी मुक्ति मिलती है। ऐसी परम पावनी गंगा मैया की महिमा अपरंपार है। माँ गंगा की महिमा का कोई पैमाना नहीं। माँ गंगा की महिमा, कपिल मुनि के श्राप से राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। तब उनके उद्धार के लिए राजा सगर के वंशज भगीरथ ने घोर तपस्या की। वो अपनी कठिन तपस्या से माँ गंगा को प्रसन्न करने में सफल रहे। भगीरथ की तपस्या सफल हुई और माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। गंगा के स्पर्श से ही सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो सका, और इसीलिए गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाने लगा। कहते हैं बड़े भाग्य से गंगा मैया के दर्शन होते हैं, और उससे भी उत्तम भाग्य हो तो मिलता है उनके जल में डुबकी लगाने का अवसर। माँ गंगा का धार्मिक महत्व। गंगा नदी अपने विशेष गुणों वाले जल के कारण मूल्यवान मानी जाती है। गंगा जल अपनी शुद्धता और पवित्रता को लंबे समय तक बनाए रखता है। मान्यता यह है कि गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ था। माँ गंगा महादेव की जटाओं में निवास करती है। गंगा स्नान, पूजन और दर्शन करने से पापों का नाश होता है। जो तीर्थ गंगा किनारे बसे हुए हैं, वो दूसरे तीर्थों की तुलना में ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। रोगों से मुक्ति होता है, व्यक्ति निरोगी होता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है। पतित पावनी गंगा से केवल धार्मिक भावना ही नहीं जुड़ी, विज्ञान भी इस अद्वितीय जल के गुणों के आगे नतमस्तक है। क्या है गंगा का वैज्ञानिक महत्व? गंगा नदी का जल सालों तक प्रयोग करने और रखने पर भी खराब नहीं होता। गंगा जल के नियमित प्रयोग से रोग भी दूर होते हैं। हालांकि गंगा के इन गुणों के रहस्य से लोग बहुत हद तक अनजान हैं। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं, कुछ इसे जड़ी बूटियों और आयुर्वेद से जोड़ते हैं।
विज्ञान भी इसके दैवीय और चमत्कारी गुणों को स्वीकार करता है। आध्यात्म की दुनिया में इसे सकारात्मक ऊर्जा का चमत्कार कह सकते हैं। यूं तो गंगा में कभी भी डुबकी लगाएं तो परम पुण्य की प्राप्ति होती ही है, लेकिन गंगा सप्तमी पर गंगा में स्नान का फल कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। मान्यता है कि आज गंगा पूजन से ग्रह के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि मांगलिक दोष से प्रभावित व्यक्ति यदि गंगा सप्तमी के दिन गंगा का पूजन करता है और स्नान करता है, दान करता है, तो मंगल ग्रह से संबंधित नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाता है, उसे विशेष लाभ की प्राप्ति हो जाती है। गंगा नदी में जाकर स्नान करना संभव ना हो तो ज्योतिषियों के मुताबिक आप गंगा जल की कुछ बूंदे साधारण जल में भी मिला सकते हैं और उससे भी स्नान कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन दान पुण्य का भी खास महत्व है। गंगा सप्तमी से जुड़े महाप्रयोग आगे जानिए। गंगा सप्तमी पर गंगा पूजन और स्नान से रिद्धि सिद्धि मिलती है। माँ गंगा की कृपा पाने के लिए किस विधि विधान से करनी है आपको आराधना, जिससे माँ गंगा का मिले आपको भी आशीर्वाद, आइए जानें। गंगा सप्तमी पर माँ गंगा के पावन घाटों पर सुबह से ही आस्था का ऐसा नजारा होता है। वैशाख महीना भगवान विष्णु का महीना है और इसीलिए आज भगवान विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए। एक मान्यता तो ये भी है कि गंगा सप्तमी पर ही माँ गंगा और माँ नर्मदा का मिलन हुआ था और इसीलिए इस दिन इन दोनों नदियों में स्नान करने की मान्यता बताई गई है। कहा यह भी जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से 10 पापों का हरण होकर अंत में मुक्ति मिलती है। माता गंगा की उपासना के निमित्त फल फूल मिष्ठान अक्षत रोरी चंदन गुलाल लाल पुष्प लाल चंदन धूप दीप इत्यादि से विशेष पूजन करना चाहिए। साथ ही इस दिन यदि गंगा चालीसा का भी पाठ करते हैं तो भी अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है तथा माता गंगा की कृपा प्राप्त होता है। गंगा पूजन में सबसे पहले गंगा का माँ का दुग्धाभिषेक किया जाता है। गंगा को गाय के दूध से अभिषेक करने के पश्चात जैसे हम सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए वस्त्रादि निकालते हैं, ऐसे ही माँ के लिए भी अपनी सुख संपत्ति की कामना पूर्ण हेतु, परिवार में आनंद रहे इस हेतु माँ के लिए एक छबड़ी निकाली जाती है जिसमें उनके लिए वस्त्र, उनके लिए श्रृंगार का सामान, तेल आदि, इत्र आदि, मेहंदी आदि रख के सौभाग्य चिन्ह, बिछुए, पाजेब आदि रख के अगर श्रद्धा हो और साथ में आपके मन में श्रद्धा के साथ साथ आप इतने संपन्न भी हो तो स्वर्ण की चीज रखकर माँ को अर्पण करके जो आपके पुरोहित हैं, गंगा के तीर्थ पुरोहित हैं, कुल पुरोहित हैं या ब्राह्मण जिनको भी आप मानते हैं, उनको आप वो दान दें। आज गंगा सप्तमी के दिन गंगा मैया के पूजन और स्नान से रिद्धि सिद्धि यश सम्मान की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का क्षय होता है। तो चलिए आपको गंगा सप्तमी की पूजन विधि बताते हैं। स्नान करने से मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले जाने अनजाने में सभी पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं, व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है, जीवन में रिद्धि सिद्धि मान सम्मान यश कीर्ति धन वैभव की प्राप्ति होती है। गंगा सप्तमी की पूजन विधि, संभव हो सके तो गंगा नदी में स्नान करें, ओम श्री गंगे नमः का उच्चारण करते हुए माँ गंगा को अर्घ दें, गंगा नदी में तिल का दान करें, गंगा घाट पर पूजन करें, पूजन के बाद अपने सामर्थ्य के मुताबिक ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान दें। गंगा जल न केवल सनातन धर्म में पवित्रता का प्रतीक है बल्कि इसे काफी शक्तिशाली भी माना जाता है। गंगा जल की चमत्कारी शक्तियों के ज्योतिषीय प्रयोग भी बताए गए हैं। ज्योतिषियों के जानकारों के मुताबिक
गंगा जल के विशेष प्रयोग से आप अच्छी सेहत और लंबी उम्र का वरदान भी पा सकते हैं। तट के ऊपर मन इच्छा जो भी कामना रखते हैं वो आपकी पूर्ण होती है, पर विशेष तौर पे यदि आप धन संपत्ति चाहते हैं तो माँ गंगा का पूजन करने के पश्चात माँ गंगा को स्वर्ण या चांदी के आभूषण अर्पण करें। चाहे आप माँ गंगा में चढ़ा दें, चाहे माँ गंगा में स्नान कराकर अपने पुरोहित को दे दें। जो व्यक्ति आप जिस चीज की कामना रखेगा वो माँ उसको देगी जरूर, लेकिन वो दान करने की तो पड़ेगी। आप अगर एक पात्र गंगा जल का भर के अपने पुरोहित को दान दे देते हैं तो वो कई हजार गुना आपको प्रतिफल में माँ आपको देती अवश्य है। गंगा जल के विशेष प्रयोग, हर सोमवार को शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय या तो महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते रहें या ओम नमः शिवाय का जप करें। मंत्र जाप के बाद शिवजी से आयु रक्षा और उत्तम सेहत की प्रार्थना करें। ऐसी ही है पवित्र गंगा जल की महिमा, आप भी इस जल की चमत्कारी शक्तियों का लाभ उठाइए। गंगा को अपने तप से पृथ्वी पर लाने वाले भगीरथ की पूजा भी आज ही के दिन की जाती है। तो जैसा आपका सामर्थ्य हो उसी के मुताबिक गंगा सप्तमी पर स्नान और दान कीजिए। माँ गंगा की कृपा से आपके सभी पाप दोष धुल जाएंगे। गंगा जल को शास्त्रों में जितना पवित्र माना गया है उतना ही शक्तिशाली भी। आयुर्वेद में गंगा जल को अमृत कहा गया है। जीवन में रोजाना गंगा जल के छोटे छोटे उपाय करके आप जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ पा सकेंगे आनंद का वरदान भी। तो चलिए अब आपको बताते हैं वो खास उपाय जिससे प्रसन्न हो जाएंगी माँ गंगा। गंगा सप्तमी यानी माँ गंगा के प्राकट्य का शुभ दिन। अगर आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो गंगा सप्तमी की तिथि आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ है। इस तिथि पर भगवान शिव का जलाभिषेक करके आपके सारे आर्थिक संकट दूर हो सकते हैं। गंगा सप्तमी पर शिव पूजा, शाम को चांदी या स्टील के लोटे में गंगा जल भरें, इसमें बेलपत्र डालकर घर से शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग पर जल डालकर बेलपत्र अर्पित करें, मन ही मन में आर्थिक संकट दूर होने की प्रार्थना भी करें। गंगा जल के उपाय केवल गंगा सप्तमी पर ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन में करने से भी अमोघ लाभ प्रदान करते हैं। गंगा जल में तमाम औषधि और वनस्पतियों के गुण होने के कारण ये अमृतकारी भी मानी जाती है। तांबे के लोटे में गंगा जल भरें, कुशा के आसन पर बैठकर गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। जप के बाद घर का हर सदस्य एक चम्मच गंगा जल पिए। गंगा जल का घर में छिड़काव जरूर करें। पुराणों में भी उल्लेख है कि घर में हमेशा गंगा जल रखा होना चाहिए। घर में गंगा जल रखने से पूरे घर में सुखद ऊर्जा फैलती है और इसीलिए गंगा जल के प्रयोग और गंगा जल को घर में रखने के कुछ विधान भी बताए गए हैं जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। गंगा जल का प्रयोग सदैव शुभ कारक स्थिति में करना चाहिए तथा तो पवित्रता का विशेष ध्यान देना चाहिए। यह व्यक्ति के जन्म से लेकर के अंतिम दिनों तक मोक्ष कारक जल के रूप में शास्त्रों में वर्णित है, बताया गया है। गंगा जल के प्रयोग की सावधानियाँ। गंगा जल को हमेशा पवित्र और धातु के पात्र में ही रखना चाहिए। गंगा जल को हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए। अपवित्र हाथों से गंगा जल को कभी नहीं छूना चाहिए। भगवान शंकर की पूजा में गंगा जल जरूर प्रयोग करना चाहिए। माँ गंगा के प्राकट्य की इस दिव्य तिथि पर इन उपायों को करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो माँ गंगा यूं ही आप पर बरसाए कृपा, इसी प्रार्थना के साथ फिलहाल हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।